तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं हम जहाँ पे हमारे जो ग्रुप के और राइडर्स ठहरे हुए हैं। गाइस अभी यहाँ से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो बाबा बाइक लेके जा रहे हैं, एक बाइक बाबा ले गया और बाकी ये लेके जानी है। हस्की 510 आ गई और ये पीछे केलेक्स आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएच व्लॉग। तो दोस्तों काफी दिन से आप देख रहे होंगे कि मेरा व्लॉग नहीं आ रहा, वो इसलिए कि हम जी तैयारियों में लगे हुए थे क्योंकि एक और हमारा रेसिंग इवेंट जो आ चुका है जो कि हो रहा है कराची हब में, मतलब कि हब रैली हो रही है हमारे डर्ट बाइक रेस। तो उसी सिलसिले में जी हम आ चुके हैं कराची। ये एक दोस्त का फ्लैट है, यहाँ पे हम रुके हुए हैं और ये देखें जी ये आलसी पड़ा हुआ हैदर, और उसके बाद ये हमारा कुछ सामान शामान पड़ा है और एक ही और हमारे साथ हमारा राइडर है लाहौर से जो कामी भाई। आज हम जी निकल रहे हैं इधर से, जो हमने बाइक अपने लोड करवाए थे वो ट्रॉले पे, उनको जाके उधर से हमने अड्डे से लेना है क्योंकि दो दिन पहले वो आ गए थे, वो इधर ही रुके हुए हैं। और आज हमने जी निकल जाना है अपने रेसिंग ट्रैक की तरफ और आज हमने जी ट्रैक की रैकी भी करनी है। तैयारी जी हमारी फाइनली हो चुकी है और ये कामी भाई अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर रहे हैं, तो अभी हम निकलने लगे हैं जी इधर से नाश्ते के लिए, सामान इधर छोड़ देना। और दोस्तों अभी निकले फ्लैट से और जा रहे हैं नाश्ते के लिए और देखते हैं जी इधर करीब ही हमें नाश्ते में क्या मिलता है। और यहाँ से जी ये कुछ इनकी छोटी सी ये फूड स्ट्रीट है और नाश्ते वाला सीन ये सारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, और अभी इधर से पता करते हैं। क्या चीज? चला परड़ा हलवा पूरी अंडा चाय। अंडा चाय और जी खाना हमारा आ चुका है और नाश्ता जी आ गया और जी कामी भाई टूट पड़े हैं और उसके बाद बैठा मुंह देख रहा है अभी। तो दोस्तों जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद हम पहुंचे दोबारा अपने फ्लैट पे, सामान वगैरह अपना पैक किया उठाया और उसको बैकपैक बना के जी शोल्डर पे मैंने लगाया और हम निकल पड़े जी दोबारा अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ जी हम पहुंचे हैं रोड पे और रोड पे पहुंचने के बाद जी हमने किया रक्शे का वेट और रक्शा जैसे ही आया और हम बैठे और निकल पड़े जहाँ पर हमारे दूसरे ग्रुप मेम्बर्स ठहरे हुए थे और वो हमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं थे, तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे वो मौजूद थे। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं हम जहाँ पे हमारे जो ग्रुप के और राइडर्स ठहरे हुए हैं। ये जी बाइकें और ये हमारी ट्राली जिसके ऊपर 4-5 बाइक लोड होंगे। अभी यहाँ से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो बाबा बाइक लेके जा रहे हैं, एक बाइक बाबा ले गया और बाकी ये लेके जानी है, जो ट्रॉली है ये भी लेके जानी है और फिर हमने करनी है अपनी बाइक के लोड और जाना है ट्रैक की तरफ। और ये चाचू मिनाज बड़े रिलैक्स हो गए बैठे हैं और वो आ रहे हैं चाचू कामरान। तो देखा इनका, बाकी ये हस्की 510 आ गई और ये पीछे केलेक्स आ गई है, KTM 350 फ्री राइड। ये बाइकें लोड करने के बाद जी हम निकल पड़े दोबारा अड्डे की तरफ जहाँ पे हमारे दूसरे बाइक्स आए हुए थे। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं इधर और जहाँ पे जी बाइकें आई हुई हैं हमारी, ये आगे आगे मेरा बाइक खड़ा है के YZ250, इसके साथ जी WR450 और उसके साथ गैस और उसके साथ जी TM और जी पेट्रोल मैं साथ ले आया था, अभी पेट्रोल इसके टैंक के अंदर डालते हैं और देखते हैं इसको स्टार्ट करके।
और जी अड्डे के से बाइकें लोड करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे, जहां के हमने पहुंचना था, मतलब के गडानी बीच, जहां से हमारी रेस का स्टार्टिंग पॉइंट था। और बड़ा ही प्यारा जी इधर का व्यू था, और आपको नज़र आ रहा होगा बीच था ये गडानी बीच और समंदर का किनारा, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जी इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी समंदर की, और बड़ा मज़ा आया हमें इधर पहुँच के और एक व्यू देख के।